हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। और 2020 का ये पहला वीडियो है, लोको पायलट कैसे बने 2020। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास बनने वाली है वैसे स्टूडेंट के लिए जो लोको पायलट बनना चाहते हैं 2020 में आने वाले समय में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन सब कुछ, जिसमें कि होगी सबसे पहला टॉपिक क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको क्या सब क्वालिफिकेशन चाहिए लोको पायलट बनने के लिए, एज लिमिट, आपका एज जो है कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, उसका वैकेंसी कब आ रही है, कितनी आ रही है, एग्जाम सिलेबस और उसका पैटर्न, कितना एग्जाम होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होती है। और लास्ट टॉपिक होगा बेस्ट बुक एंड कोचिंग, ऐसा कोचिंग, ऐसा बुक जिसको आप घर पर बैठे बैठे उसको पढ़ करके आप आसानी से लोको पायलट पास कर सकते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ। तो इसी बात पे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हम आगे बढ़ते हैं ये सभी टॉपिक को फुल डिटेल में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपको ये जो लोको पायलट का जो पोस्ट है, ये लोको पायलट एक्चुअली होती नहीं, ये होती है ALP, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। इसके क्वालिफिकेशन के लिए ये होता है 10th, यानी कि मैट्रिक जिसको बोलते हैं, मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन 10th ये होती है माध्यमिक, और या फिर इसके समकक्ष कोई भी है। अब देखिए मैट्रिक कीजिए या फिर 10th, वही सेम चीज़ हुआ, 9th के बाद 10th होती है। अब इसके बाद आप क्या सब कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके लिए जो स्पेशल जो वैकेंसी है वो है ITI के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आप ITI कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद ITI कर लीजिए या फिर 10th के बाद आप ITI या फिर डिप्लोमा कर लीजिए। अगर आपके पास ITI और डिप्लोमा की डिग्री है, इसका जो सर्टिफिकेट है, अब देखिए सभी, अब ऐसा नहीं कि जितने भी स्टूडेंट ITI किया है वो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेड है, वही ट्रेड वाले लोको पायलट बन सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं इस टॉपिक पे हम बनाएं वीडियो कि कौन से ITI ट्रेड वाले लोको पायलट बन सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है के अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट किया, अब इंटरमीडिएट के बाद आपको अगर बीटेक है या फिर BE है या फिर इससे रिलेटेड जो भी है, तो भी आप बन सकते हैं लोको पायलट, बशर्ते कि वो इसका जो मेन है वो है ITI। ITI का जो ट्रेड है, जो कि पॉपुलर ट्रेड है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। 4-5 है जो कि ITI का बिल्कुल पॉपुलर है, वैसे आपको 16 ट्रेड ऐसा है ITI जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, उसकी वीडियो आ रही है जस्ट इसके बाद। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब। सबसे पहला जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नंबर 1 होती है। अगर आप ITI करने वाले हैं तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को चुन सकते हैं। दूसरी जो ट्रेड होती है वो होती है फिटर। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स होती है 2 टाइप के, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इन मैकेनिक्स, और एक होता है रेडियो TV इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको रेडियो TV इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करना, आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक। और नंबर 4 जो होती है वो होती है 1 साल वाली ट्रेड, वो है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक। अब देखिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग वाले लोको पायलट में नहीं आ सकते। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी डिप्लोमा किए और आप आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन की बात। आइए हम बात करते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए। तो अब देखिए एज का जो लिमिट है वो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे देखिए एज लिमिट, तो सबसे पहले कम से कम तो 18 साल, कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 18 साल, मतलब कि जिस जब आपको वैकेंसी निकलेगी, जैसे बोल देगा आपको 1 अप्रैल तक
आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तो आपका 1 अप्रैल तक 18 साल हो जाना चाहिए तो आप बन सकते हैं। 18 साल से लेकर के अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 30 साल, इसको 3 साल बढ़ाने वाला है, देखिए कब इसको बढ़ाता है, लेकिन अभी फिलहाल में है 30 साल। कुछ दिन पहले इसको घटा करके 28 किया गया था, लेकिन फिर से इसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया, यानी जनरल कैटेगरी वाले को 18 साल प्लस, यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल के बीच का अगर आपका उम्र है तो आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उसको जनरल वालों से 3 साल का छूट मिलता है, मतलब उसको 3 साल एक्स्ट्रा प्लस 3, यानी कि ये हो गया 33 साल, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 33 साल तक आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद देखिए एससी या फिर एसटी, एससी और एसटी के लिए क्या है कि 30 और प्लस 5 साल का इसको छूट मिलती है, यानी कि 35 साल अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं आपको 35 साल, अगर आप रिटायर्ड आर्मी हैं तो आपको इसमें और भी ज़्यादा दे, यानी कि 10 साल 12 साल का इसमें मिलती है छूट, तो वो आपको वैकेंसी निकलेगी तब आपको पता चलेगी। वैसे इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जाते हैं, जो लोग मतलब रिटायर्ड फौजी से हैं तो आप प्लीज़ हमें इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं स्पेशली आपके लिए। तो अब देखिए, तो ये तरह आपका एज लिमिट आपको आ गई बात समझ में। अब आते हैं बात की वैकेंसी इसकी कब आती है, कितने टाइम पे आती है और कितनी मात्रा में आती है, कितनी संख्या में आती है इसकी वैकेंसी, तो आइए देख लेते हैं। वैकेंसी जो है, अब देखिए रेलवे को जो चलाने अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आ रही है वो डीएफसी की वैकेंसी आ रही है, डीएफसी की वैकेंसी आ रही है, ये रेलवे की तरफ से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो अब देखिए इस कॉरिडोर में उसको 2600 पोस्ट, यानी कि 2600 लोको पायलट की भर्ती होगी, लेकिन उसको लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कैप्टन एंड को कैप्टन, जो कि लोको पायलट के बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन वो लोको पायलट उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और तो इस 2600 पोस्ट बहुत ही जल्द आ जाएगी, वो आपका मार्च अप्रैल तक बिल्कुल आ जाएगी ये पोस्ट। तो आप फिलहाल में ये 2600 पोस्ट आएगी कैप्टन और को कैप्टन के लिए। और इसके बाद अब फिर से जो अभी आपको पता है रेलवे में 3 लाख 3.5 लाख पोस्ट खाली है, जिसमें कि आपको लगभग में 40 से 50 हज़ार, यानी कि 40 से 50 हज़ार के बीच आपका लोको पायलट टेक्नीशियन वैकेंसी एक बार फिर से आ जाएगी, जो कि अगले साल जनवरी तक हो सकती है, पूरी संभावना है कि आ जाए इसका वैकेंसी। तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप आईटीआई कर भी रहे हैं तब भी आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये बहुत लंबी है, आपको बस 2-4 महीने आगे या पीछे नहीं, अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप किसी भी क्षेत्र में आप निकाल सकते हैं। तो आई बात समझ में, इसकी वैकेंसी आने का कोई बिल्कुल निश्चित टाइम होता नहीं है, ये 2 साल के बाद भी आ सकती है, 6 महीने के बाद भी आ सकती है, लगातार में भी आ सकती है, कितनी भी पोस्ट कभी भी आ सकती है, इसलिए आप हमेशा रेडी रहिए, आप लोग हमेशा रेडी रहिए इस वैकेंसी को पास करने के लिए। आइए हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में, लोको पायलट का एग्जाम सिलेबस और पैटर्न। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कितने सारी एग्ज़ाम होती है, इसमें आपका 3 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 एग्ज़ाम, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले ये पेपर हो या पहले ये पेपर और पेन पे होती है, अब होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर पे होती है, CBT 2, और तीसरा जो है वो है CBT 3। CBT 3 को ही आप लोग साइको टेस्ट बोल सकते हैं। अब देखिए साइको टेस्ट, यानी आपका 3 एग्जाम होगा, CBT 1, CBT 2 और CBT 3, इसी को आप लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, जो कि साइको टेस्ट भी कंप्यूटर पे ही होती है। और तो ये रहा आपका एग्ज़ाम, अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कौन से टॉपिक में से कितना क्वेश्चन पूछेगा, आपके लिए पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या सब होगी, आइए जानते हैं अब इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में। सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ लोको पायलट, लोको पायलट का सिलेबस और पैटर्न क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको बता चुके हैं 3 एग्जाम होती है, तो सबसे पहले जानते हैं CBT 1 के बारे में। CBT 1 के बारे में इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। CBT 1 में सबसे पहले जानिए कि आपका जो है 75 मार्क्स का, यानी कि 75 नंबर का एग्जाम होगा, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 75 नंबर का एग्जाम होगा 75 मार्क्स का और आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। अब देखिए इस 75 क्वेश्चन में
कौन सा सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका मैथ, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस उसी में मिक्स हो जाती है। तो अब देखिए, इस 75 में से आपका मैथ में से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन और इस साइंस में से 20 क्वेश्चन, 20-20 40 और 25 65। अब करंट अफेयर्स अब प्लस जनरल अवेयरनेस में से आपका हो गया 10 क्वेश्चन, तो आपका हो गया 75। तो यही आपका एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न है। अब हम जानते हैं इसका सीबीटी वन का जो एग्जाम है, सीबीटी वन एग्जाम जो है ये किस टाइप का एग्जाम है और आपको इसको किस तरह से देना है, इसमें आपको कितना नंबर चाहिए पासिंग होने के लिए, तो आइए हम इसी के बारे में जान लेते हैं। तो अब देखें, आप लोग इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और इसमें आप वीडियो को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर इसको याद ही कर लीजिए तो ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी बिल्कुल। तो अब देखिए, ये 75 नंबर का एग्जाम होती है, लेकिन ये जो एग्जाम होती है ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपको सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए आपको सीबीटी 1 एग्जाम को बस पास करना होगा, सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए आपको सीबीटी 1 एग्जाम को बस पास करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए सीबीटी 1 को पास करना होगा और ये क्वालिफाइंग, यहाँ पे आपको 40% और 30% मतलब कि यहाँ पे आपको परसेंट दिया जाता है कि ये ओबीसी वालों को, जनरल वालों को कितना कितना परसेंट चाहिए इसमें नंबर, तो वही यहाँ पे है। और लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आपने 40% नंबर ला दिया तो आप पास ही हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें नंबर पासिंग होने के लिए कम से कम आपको चाहिए 75 में आपको 55-60 नंबर चाहिए, आपको 55 प्लस नंबर आपको चाहिए तब आपका क्वालिफाई बिल्कुल आप इसमें हो पाएगा। आप देखिए, इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो नंबर है क्वालिफाइंग का, आपने अगर 75 में 75 नंबर भी लाया और कोई स्टूडेंट 75 में 50 नंबर लाके क्वालिफाई हुआ और कोई स्टूडेंट 75 में 75 नंबर लाके क्वालिफाई हुआ, दोनों का बिल्कुल वैल्यू सेम है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका जो सीबीटी 1 है इसका मेरिट में इसका नंबर बिल्कुल भी नहीं जुड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए। आपके लिए इतना बात काफी है। तो हम बढ़ते हैं सीबीटी 2 एग्जाम की तरफ। अब देखें, ये जो सीबीटी 2 एग्जाम है इसके बारे में जान लीजिए, इसका सिलेबस क्या होगा और पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सीबीटी 2 एग्जाम फॉर लोको पायलट, इसमें देखिए आपका दो पेपर होगा, एक है पेपर पेपर वन या पेपर ए और दूसरा है पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी। अब देखिए, पेपर ए में जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स नंबर मिनट समय मिलेगा और पेपर बी में आपका 75 नंबर पूछेगा। दोनों जो पेपर है वो बिल्कुल सेम एक ही टाइम में होगा, बस एक ही टाइम में दोनों पेपर होगा, मतलब पहले पेपर ए हो जाएगा उसके बाद जस्ट पेपर बी हो जाएगी। तो अब देखिए, इस पेपर ए में जो 100 नंबर का है इसमें आपका देखिए मैथ जो है, मैथ 25 मार्क्स, रीजनिंग जो है ये भी 25 मार्क्स का है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें से आपका है 40 नंबर और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा 10 नंबर का। तो ये रहा आपका इसका सिलेबस और इसका पैटर्न, मैथ 25, रीजनिंग 25, साइंस जनरल साइंस सॉरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर का और करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का। ये रहा आपका एक सम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो है पेपर ए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन, इसमें आप जितना भी ज़्यादा नंबर लाना चाहें उतना नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यही आपका मेरिट तैयार करता है, यही आपका मेरिट तैयार करता है। तो अब देखिए, पेपर ए 100 नंबर का जो है पेपर, इसमें आपको 75 प्लस अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका 100% चांस है कि आप इसको पास हो जाएगा। तो अब देखिए, पेपर ए में आपका मेन है ये, पेपर बी जो है ये देखिए, ये भी सीबीटी 1 की तरह ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन अब देखिए पेपर बी में आपका क्या पूछेगा, किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछेगा। और तो ये जो होता है ये हो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट जब आप सीबीटी 1 पास करने के बाद एक बार फिर से बोलता है कि फॉर्म भरो, तो उस फॉर्म भरते समय आपके ट्रेड से, आपने जिस भी ट्रेड में आईटीआई किया है या फिर उससे रिलेटेड ट्रेड, कोई भी एक पेपर आपको बोलता है चुनने के लिए, तो उसमें जैसे कि किसी ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऑप्शन मिलेगा, मतलब कोई भी आईटीआई का एक ट्रेड वो ले सकता है और उस पेपर में जैसे कि
वायरमैन का भी ले सकता है या फिर वो इलेक्ट्रिशियन तो ले ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकता है, तीनों में से कोई भी एक वो ले करके उस पेपर का वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो आइए, तो उसके लिए बस जो भी, अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का ही क्वेश्चन आएगा, कितना 75 क्वेश्चन आएगा। और इस 75 में से जो है वो 35% यानी कि 35% जो इसका क्वालिफाइंग मार्क है, इस 35% ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा, बस आपको बस 35% नंबर ला करके क्वालिफाई हो जाना है इस ट्रेड टेस्ट में। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं CBT 3 के बारे में। आइए हम लोग देख लेते हैं CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट के बारे में। देखिए साइको टेस्ट क्या है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको 5 टाइप का टेस्ट पूछा जाता है, 5 टाइप का। पहला मेमोरी टेस्ट, दूसरा टेबल टेस्ट, तीसरा ब्रिक्स टेस्ट और चौथा और पांचवा। देखिए टोटल होता है 18 टाइप का टेस्ट, 18 में से 5 टाइप का होता है मेमोरी, तो 5 में से कोई एक पूछ लेगा। टेबल टेस्ट होता है 2 टाइप का, 2 में से कोई एक पूछ लेगा। ब्रिक्स टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का, तो वो पूछ लेगा। तो यानी कि 5, 2, 7, 1, 8, अब बच गया 10। 10 में बहुत टाइप का होता है, उसमें से कोई भी 2 पूछ सकता है यहाँ पे चौथा और पांचवा में। बहुत ही आसान होता है, बस 7 दिन आपको तैयारी करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, 7 डेज। और ये इसकी तैयारी आपको अभी से नहीं करनी पड़ेगी, आपको CBT 2 एग्जाम पास करने के बाद आपको 1.5 महीना का समय मिलता है, आप इजिली आप तैयारी कर पाएगा। पहले एग्जाम होती थी पेपर और पेन पे, साइको टेस्ट वो थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अभी जो हो रहा है वो है कंप्यूटर पे, ये बहुत ही आसान है पहले के मुकाबले। तो अब आपको पता चल गया होगा एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। अब आपको बता रहे हैं कि बेस्ट बुक एंड बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी आपके लिए। देखिए बेस्ट बुक एंड बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, तो अब देखिए बेस्ट बुक में हम आपको बता रहे हैं, ये है मास्टर नोट्स, ये है आपका मास्टर नोट्स। इस मास्टर नोट्स को मैंने ही लिखा है, इस मास्टर नोट्स को मैंने लिखा है स्पेशली लोको पायलट के स्टूडेंट के लिए। और जो आपका बेस्ट जो कोचिंग है वो कोचिंग है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, आपका स्मार्ट वीडियो कोचिंग। ये स्मार्ट वीडियो कोचिंग होती क्या है, ये जो स्मार्ट वीडियो कोचिंग है ये आपके व्हाट्सएप पे मिलती है, ये आपके WhatsApp पे मिलते हैं। इसमें हम आपको जितना भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक आपको हम देंगे वीडियो लिंक, और अगर आप हमारे तरीका को सीखते हैं तो आप बिल्कुल एक बार में 100% आप लोको पायलट बन ही जाइएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसा तरीका हम आपको सिखाते हैं कि आपको आसानी से सभी सब्जेक्ट याद हो जाएगी। इसके बाद आप इजिली आप पूरा मैथ को बना सकते हैं, पूरा रीजनिंग बना सकते हैं, साइंस बना सकते हैं, जीके आपको पढ़ना ही नहीं है। और जितना भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में 90% तक क्वेश्चन है, 90% तक क्वेश्चन जो है हमारे इसी मास्टर नोट्स में से आता है। तो आप इस दोनों चीज़ को खरीद करके आप इजिली लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा विशेष जानकारी चाहिए आपको मुझसे अपना खुद की प्रॉब्लम के लिए या फिर इस नोट्स या फिर स्मार्ट वीडियो कोचिंग के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको बाद में कॉल बैक कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको जहाँ तक संभव हो सका मैंने पूरा का पूरा चीज़ बता दिया आपको लोको पायलट के बारे में। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर लीजिए या फिर इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को भी मैं शामिल कर लूँगा। और अगर आपके पास कुछ भी नया सवाल होगा तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। और अगर आप लोग लोको पायलट के बारे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, फ्यूचर में और भी इसी तरह का बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ बिल्कुल बेस्ट तरीका कि किस तरह से आप बिल्कुल ईजिली एक बार में आप लोको पायलट बन पाएगा, फिर किसी और भी एग्जाम के लिए भी स्पेशली हम उसको पढ़ाते हैं, और वो भी स्मार्ट वीडियो कोचिंग में, और मास्टर नोट्स हम उसको देते हैं और आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये हमारा साल का सबसे पहला वीडियो है। अब देखते हैं दूसरा वीडियो कौन सी आती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।